हेलो दोस्तों, टेक्नो शुभम में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि Redmi Note 9 Pro Max में MIUI 12 का अपडेट इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या क्या न्यू फीचर्स देखने को मिलते हैं और क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, MIUI 12 का अपडेट मुझे दो दिन पहले मिल गया था। मैंने फटाफट इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया। आपको ये अपडेट मिला कि नहीं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पिछले कुछ दिनों से यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रही है लाइट को लेकर। पूरे यूपी में लाइट का हड़ताल है, तो उस वजह से मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई अभी नहीं कर पाया हूँ लास्ट वीडियो के। बाकी मैं सारे वीडियोस के कमेंट के रिप्लाई तुरंत करता हूँ, इस बार थोड़ा लेट हुआ है तो उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। बाकी मैं जब भी ये सब सही होता है मैं तुरंत आपको फटाफट रिप्लाई देना स्टार्ट कर दूंगा। दोस्तों, आप लोग कमेंट करते तो मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही कमेंट किया करिए। और आपके कोई भी क्वेश्चन या कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट करके दोस्तों जरूर बताया करिए। दोस्तों, आपको MIUI 12 का अपडेट मिला कि नहीं मिला, मिला था या चला गया, जो भी जैसा हो आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको मैं लेके चलता हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पे और दिखाता हूँ सारे फीचर्स एंड क्या क्या बदलाव हुए हैं Redmi Note 9 Pro Max में MIUI 12 अपडेट के बाद। तो दोस्तों, Redmi Note 9 Pro Max में जब आप MIUI 12 का अपडेट इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले जो आपको बदलाव देखने को मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा आपको लॉक स्क्रीन में। आप देख सकते हो वॉलपेपर आपको पूरा चेंज मिल रहा है। वॉलपेपर ये बहुत सही लगा मुझे, बिल्कुल नया वॉलपेपर और इस फ़ोन पर काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। साथ में यहाँ आप देख सकते हो टाइम के फॉर्मेट में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। यहाँ टाइम का फॉर्मेट आपको अलग तरीके से दिया गया। पहले दोस्तों ऐसा नहीं था, MIUI 11 में टाइम का फॉर्मेट ऐसे शो नहीं करता, बस अब अलग तरीके से शो कर रहा है। इसको आप सेटिंग में जाके चेंज भी कर सकते हो फॉर्मेट वगैरह। तो जब आप फ़ोन को अनलॉक करोगे तो फ़ोन अनलॉक होगा तो बहुत ही सही एनिमेशन आता है, जैसा कि आपने अभी देखा। एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने फ़ोन लॉक किया, फिर ये देखिए मैंने ये फ़ोन अनलॉक किया। देखिए एनिमेशन इस पर बहुत तगड़ा किया गया है MIUI 12 में। मुझे MIUI 12 का एनिमेशन काफ़ी सही लगा, मुझे बहुत पसंद आया। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ आएंगे तो आपको वही वॉलपेपर देखने को मिलेगा। वॉलपेपर मुझे ये काफ़ी सही लगा, हालांकि इसमें K20 Pro और K20 जैसा तो उस पर वॉलपेपर तो नहीं मिलता, बट ये भी वॉलपेपर काफ़ी सही लगा मुझे। इसमें भी थोड़ा सा आपको इफेक्ट मिलता है, जैसे कि मैं देखिए अभी ये देखिए डबल टैप किया इस पर, तो ये देखिए जब भी ये फ़ोन वेकअप होता है मतलब लॉक स्क्रीन में जब आप ये इसको ओपन करते हैं तो हल्का सा ये देखिएगा इधर से स्लाइड होते हुए ब्लैकनेस जाती है। अभी मैं आपको जैसे फिर करके दिखाता हूँ, अभी देखिए ये देखिए देखिए हल्का सा स्लाइड होते हुए ये ब्लैकनेस जाता है। अभी फिर मैं एक बार करता हूँ, ये देखिए, ये आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर देखिए अनलॉक करने पे भी थोड़ा सा इसमें आपको एनिमेशन मिलता है, ये मुझे काफ़ी सही लगा। उसके बाद दोस्तों आते हैं अपने कंट्रोल सेंटर पे। सबसे बड़ा जो इसमें बदलाव देखने को मिलेगा आपको मिलेगा कंट्रोल सेंटर पे। अगर आप राइट साइड से नीचे स्लाइड कर रहे हो तो आपको ये पूरा कंट्रोल सेंटर मिल जाएगा, जहाँ से अपना आप डाटा वगैरह ऑफ ऑन वाईफाई सब कंट्रोल कर सकते हो। इस पर आप एक बार और स्लाइड नीचे करोगे तो आपका कंट्रोल सेंटर में सारे ऑप्शन आ जाएंगे, पूरा ये मैक्सिमाइज हो जाएगा जैसा कि आप ये सामने देख रहे हैं। फिर उसके बाद ऊपर स्लाइड करेंगे तो ये वापस चला जाएगा। राइट साइड से स्लाइड करने पर कंट्रोल सेंटर आ जाता है आपका पूरा कंट्रोल के लिए। बाकी इसमें ब्राइटनेस का पैनल आप देख सकते हो, यहाँ से फुल ब्राइटनेस स्लो ब्राइटनेस आप कर सकते हो, काफ़ी चौड़ा कर दिया गया है। मुझे ये काफ़ी सही लगा, मुझे ये कंट्रोल सेंटर काफ़ी अच्छा लगा। बाकी लेफ्ट साइड से आप अगर स्लाइड करोगे तो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे आपके, अगर कोई नोटिफिकेशन आया है तो। दोस्तों ये हो गई आपकी मेजर चेंजिंग जो MIUI 12 में आपको नया देखने को मिला है। अब बात करते हैं दोस्तों कैमरे की। तो यहाँ पर आप कैमरे में देख सकते हैं, कैमरे में भी आपको बहुत बदलाव देखने को मिले, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। मैंने कैमरा ऐप ओपन किया, यहां पे दोस्तों सब कुछ अब काफ़ी बोल्ड फॉन्ट में आपको देखने को मिलेगा। ये AI वगैरह देख रहे थे कितना हाईलाइटेड है, मोटा मोटा दिख रहा है। साथ में जो थ्री डॉट ये दिख रहे हैं, थ्री एरो, आपको इस पर क्लिक करना है तो आपको जो ये सब फीचर मिलते थे ये सब आपको ब्रैकेट टाइप में मिल रहे हैं। ये नया फीचर नए तरीके से आपको देखने को मिल रहा है कि कैमरे का रिजोल्यूशन कैसा होना चाहिए, 60:9, 3:4 ये सब। बाकी टाइमर का देखिए एकदम बिल्कुल नए तरीके से ये दिया गया है, ये सब बदलाव किए गए हैं इसमें। और इसमें बाकी तो सेटिंग सब वही है, कोई नया आपको देखने को नहीं मिला। प्रो कलर पहले भी मिलता था, बस आइकन चेंज कर दिए गए हैं, यहाँ इसको ब्रैकेट में डाल दिया गया ये प्रो कलर, नहीं तो पहले ये प्रो कलर आपको ऊपर ही देखने को मिलता था अलग तरीके से। तो ये सब चेंजेस देखने को मिले हैं। बाकी सेटिंग खोलेंगे तो आप सेटिंग में सब वैसे ही है, कुछ नया आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। बाकी कैमरे से रिलेटेड दोस्तों वीडियो आने वाली है, पूरा फुल डिटेल में बताऊँगा कि कैमरा का क्वालिटी कैसा, मतलब थोड़ा अच्छा हुआ है या डाउन हुआ है, तो कैसा भी है जो भी रहेगा कैमरे क्वालिटी, मैं पूरा एक कैमरे से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा MIUI 12 अपडेट के इंस्टॉल के बाद।
तो ये इसके लिए आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आगे फ्यूचर में कैमरे रिलेटेड वीडियो आने वाली है। इसके बाद आते हैं हम लोग सिक्योरिटी ऐप में, क्योंकि सिक्योरिटी ऐप में भी मेजर बदलाव मिला है। सारा पंगा सिक्योरिटी ऐप से रिलेटेड ही था। तो सिक्योरिटी ऐप को दोस्तों ओपन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा एनिमेशन चेंज देखने को मिलेगा। ये सब जो देख रहे हैं आप थोड़ा अलग तरीके का मिलेगा। साथ में इसमें दोस्तों आपको एक दो फीचर्स नए भी मिल जाते हैं, जैसा कि मैं अभी आगे आपको दिखाने वाला हूँ। इसमें दोस्तों आप आएंगे बैटरी एंड परफॉर्मेंस पे, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको पूरा नया लेआउट मिलेगा, नया इंटरफेस मिलेगा। बैटरी सेवर तो आपको पहले भी मिलता था, प्लस MIUI 12 में आपको अल्ट्रा बैटरी सेवर मोड भी मिलेगा, जिसको अगर एक बार आप ऑन कर देंगे तो जैसे कि आप यहाँ टाइमिंग देख सकते हैं, अगर सिर्फ मैं बैटरी सेवर मोड ऑन करूँगा तो ये 54 घंटा 11 मिनट का टाइम दिखाएगा बैकअप। बाकी अगर मैं अल्ट्रा बैटरी सेवर मोड ऑन करता हूँ तो ये 325 घंटे 8 मिनट, मतलब इतना ज़्यादा ये बैकअप आपको दे देगा। तो ये दोस्तों आपके तब काम आएगा जब आपके पास चार्जर ना हो, फ़ोन बिल्कुल भी चार्ज ना हो, 5% 10% चार्ज हो, आपको फिर चार्ज करने की सुविधा ना हो, तब आप अल्ट्रा बैटरी सेवर मोड को ऑन कर सकते हैं। आपका फ़ोन 5% में भी बढ़िया पूरा 5-6 घंटे 10 घंटे का बैकअप दे देगा नॉर्मली यूज़ में। उसमें आप कुछ आप एक्स्ट्रा ऐप भी ऐड कर सकते हैं जो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो आगे मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी सब कुछ आपको वही देखने को मिलता है यहाँ पे, और कोई बदलाव नहीं, लेआउट आपको चेंज देखने को मिलता है। अब दोस्तों एनिमेशन की बात कर ही रहे थे तो अब आते हैं ये नीचे जो आप वाइट लाइन देख रहे हैं इस पे, इसे दोस्तों स्लाइड बार बोल सकते हैं एक तरीके से, जेस्चर कंट्रोल के लिए। जैसे फुल स्क्रीन जब मोड आप ऑन करेंगे तो ये आपको वाइट लाइन देखने को मिलेगा। तो इसको जब आप ऊपर स्लाइड करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे सारे रीसेंट ऐप आ गए। तो वही चीज़ है, पहले जैसा था सब कुछ वैसा ही है, बस थोड़ा सा एनिमेशन चेंज हुआ है और उसके बाद ये आपको ये वाइट लाइन देखने को मिलता है, जिसको आप स्लाइड बार बोलते हैं। ये स्लाइड बार देखने को मिलता है न्यू। तो स्लाइड बार को दोस्तों जैसे आप मान लीजिए मैं कैमरा ऐप में हूँ, मैं यहाँ से ऊपर स्लाइड करूँगा तो सबसे पहले ये ऐप आएगा जो मैं ओपन किया वो ऐप आएगा, उसके बाद और सारे ऐप आएंगे। ये नया एनिमेशन आया है, उसके बाद आप चाहे तो यहाँ से सब क्लीन कर सकते हैं, तो ये ऐप रहेगा, बाकी सारे ऐप क्लीन हो जाएंगे। MIUI 12 में मेन फोकस एनिमेशन पे किया ही गया है, जो कि काफ़ी सही लगा। साथ में दोस्तों आप सेटिंग ओपन करते हैं, सेटिंग ओपन करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको काफ़ी बोल्ड सेटिंग के ऑप्शन लिखे हुए देखने को मिलेंगे, और जो आइकन भी है वो काफ़ी कलरफुल है, तो ये थोड़ा देखने में ठीक लगता है। बाकी अबाउट फ़ोन में आपको चेंज इन देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ बदल गया है। पहले ऐसे नहीं लिखा हुआ था, पहले दूसरे तरीके से आता था MIUI 11 में, आप तो जानते ही हैं। MIUI 12 में आपको चेंजेस देखने को मिले हैं इतने सारे। यहाँ पे स्टोरेज पे आप क्लिक करेंगे तो स्टोरेज का भी देखिए पूरा लेआउट चेंज है, आपको पूरा ये इंटरफेस चेंज देखने को मिलेगा। तो ये भी आप देख सकते हैं कैसा है क्या है सब, ये भी मुझे काफ़ी सही लगा। उसके बाद सारे फीचर तो आपको नीचे मिल ही जाते हैं। फिर दोस्तों आते हैं इसके एक नए फीचर पर, फ्लोटिंग विंडो। तो आप यहाँ आएंगे दोस्तों स्पेशल फीचर पर, इस पर क्लिक करेंगे तो गेम टर्बो आपको पहले से मिलता था, वीडियो टूल बॉक्स पहले से मिलता था, फ्लोटिंग विंडो आपको नया मिला है और लाइट मोड नया मिला है। सेकंड स्पेस तो पहले भी आता था। तो फ्लोटिंग विंडो में दोस्तों क्या है, फ्लोटिंग विंडो आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल दिखा देगा कि कैसे इसको कंट्रोल करना है, क्या करना है। जैसे आप मैसेज वगैरह आ रहा है तो मैसेज को आप फ्लोटिंग विंडो में डाल सकते हैं। जैसे आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो, कोई मैसेज आया व्हाट्सअप पर या मैसेजिंग ऐप पर किसी पर भी, तो आप नोटिफिकेशन जो आएगा ब्रैकेट में उस पर आपको नीचे स्लाइड करना है। देखिए यहाँ दिखा रहा है, तो आपका फ्लोटिंग विंडो खुल जाएगा, वो मैसेज का रिप्लाई आप यहीं से कर सकते हो। दोस्तों आप उसको मिनिमाइज़ भी कर सकते हो, आपको वो फ्लोटिंग विंडो ऊपर से टच करके राइट में स्लाइड करना होगा तो वो मिनिमाइज़ हो जाएगा। यहाँ पे सब कुछ आपको डिटेल दिखा रहा है, आप देखना चाहते हो यहाँ से देख सकते हो। अगर आप कहोगे तो मैं इस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको डार्क मोड में भी चेंजिंग देखने को मिलेगा। जैसे ये डार्क मोड है, मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे आप डार्क मोड जैसे ही एक्टिवेट करोगे, उसके बाद यहाँ पे आप शेड्यूल भी कर सकते हो कि कब आपको डार्क चाहिए कब लाइट चाहिए, और एडजस्ट वॉलपेपर टू डार्क मोड। जैसे आपका वॉलपेपर है इसको यहाँ से आप बंद कर सकते हो तो आपका वॉलपेपर भी डार्क मोड के हिसाब से थोड़ा डार्क हो जाएगा। जैसे आप बहुत ज़्यादा ब्राइट वॉलपेपर लगाए हो फिर आप डार्क मोड एक्टिवेट कर दोगे और इस ऑप्शन को यहाँ से चालू कर दोगे तो यहाँ इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद आपका वॉलपेपर भी हल्का सा डार्क मोड में हो जाएगा। साथ में इसमें इंडिविजुअल ऐप का भी आपको सपोर्ट आ गया है, थर्ड पार्टी ऐप चाहे जो भी ऐप चाहो आप उसको यहाँ से डार्क मोड ऑन कर सकते हो। जब भी आप वो ऐप ओपन करोगे तो वो डार्क मोड में ही ओपन होगा, जब भी आपका डार्क मोड ये एक्टिवेट रहेगा। तो ये भी न्यू फीचर मिला है आपको डार्क मोड में। देखिए अभी ये डार्क मोड में है फ़ोन, देख सकते हैं आप पूरा डार्क है, ये काफ़ी सही लगा मुझे इसका डार्क मोड भी।
अब देख सकते हैं ये वॉलपेपर भी आप देखिए हल्का सा डार्क टाइप का है। अब देखिए मैं आपको यहाँ से डार्क मोड से निकल के दिखा रहा हूँ, ये देखिए मैं डार्क मोड बंद कर दिया, थोड़ा सा ब्राइट हो गया वॉलपेपर भी देखिए थोड़ा ब्राइट हो गया है। तो यही इफेक्ट आता है उस वॉलपेपर सेटिंग को और डार्क मोड में ऑफ ऑन करने के बाद। बेसिकली दोस्तों MIUI 12 में सारे लेआउट चेंज हुए हैं, हर आपको सेटिंग में ऐप में सब में लेआउट चेंज देखने को मिलेगा। जैसे कि आप सिक्योरिटी स्टेटस में देख लिया, आप सिम कार्ड में मोबाइल नेटवर्क में आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो आपको लेआउट चेंज देखने को मिलेगा। मैंने अभी अपना फ़ोन एयरप्लेन मोड में रखा है तो ये हाईलाइट नहीं हो रहा, इसको चलिए मैं एयरप्लेन मोड से हटाता हूँ। तो ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी आपको सब चेंजेस देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे Xiaomi के वेदर ऐप में भी आपको लेआउट चेंजेस देखने को मिलेगा। ये वेदर ऐप है Xiaomi का, इसमें भी आपको हल्का सा लेआउट चेंजेस देखने को मिलेगा। और साथ में दोस्तों नोट ऐप में, मतलब जो ये आपका नोट है, इसमें आपको न्यू फीचर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, यहाँ पे आप थीम भी लगा सकते हैं, लाइव थीम देख रहे हैं आप, ये देखिए लाइव थीम है ये, इसमें आप बहुत सारे थीम वगैरह दिए गए हैं, ये पूरा लाइव वॉलपेपर की तरह आप समझ सकते हो। देखिए कितना सही लग रहा है ये सब, ये तो सब पुराने वाले हैं, ये सब पुराना है, ये आपको नए में जो मिलते हैं ये सब आपको नया है। ये भी देखिए आपको नया मिला है, ये भी नया मिला है, ये भी मिला है। तो बेसिकली तीन लाइव थीम आपको, लाइव वॉलपेपर बोलो थीम बोलो, ये आपको नया मिलता है। तो ये भी काफ़ी सही लगा मुझे, अच्छा है। और इसका भी एनिमेशन थोड़ा चेंज हुआ है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, साथ में हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे इस फ़ोन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, आफ्टर अपडेट क्या क्या और मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं, कैमरा पे मैं वीडियो बनाने वाला हूं, प्लस चार्जिंग में बनाने वाला हूं। तो मेक श्योर दोस्तों आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किए हों। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने सब कुछ देख लिया कि क्या बदलाव हुए हैं और क्या नया फीचर्स आपको मिला है, जो मेन फीचर है उस पर अलग से एक वीडियो आएगी, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं Redmi Note 9 Pro Max रिलेटेड और MIUI 12 से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।